Assalamualaikum viewers, here I am with my new video, with a new video and a new painting with the new media. Oil painting, my favorite media. और ऑयल पेंटिंग जितनी आसान है उतनी मुश्किल है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके लिए उतनी आसान है, और जब आपकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो उतनी मुश्किल हो जाती है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने कुछ कलर्स निकाल भी लिए हैं। ये मेरे कलेक्शन है जो जरूरी कलर्स होते हैं लैंडस्केप के लिए भी और स्टिल लाइफ के लिए भी। ये हम वुड के लिए यूज कर सकते हैं, बर्न सियाना माय फेवरेट कलर, दिस इज माय फेवरेट कलर, एंड फ्रेंच अल्ट्रा मरीन, दिस इज ओके स्काई। ये अपनी अपनी चॉइस होती है, कैडमियम ऑरेंज एंड द मोस्ट फेवरेट कलर इज, ये कुछ ज्यादा ही इसका बुरा हाल हो गया, ये है सैप ग्रीन। ये जब ये कलर ट्री में आ जाता है तो ग्रीन कलर की शान और ट्री की शान बढ़ जाती है। वैसे तो अल्लाह की शान, कुदरत, उसका मुकाबला नहीं है, लेकिन ये जो इंसान के बनाए हुए कलर्स हैं उनमें ये आई लव दोस दीज कलर्स। और एक ये कलर है रॉ अम्बर, ये रॉ अम्बर डार्केस्ट डार्क में ज्यादा यूज होता है। और अब मैं आज यूज करने जा रही हूँ, ये थोड़ा कलर्स का इंट्रोडक्शन था, और आज मैं यूज करने, आज जो मैं नाने लगी हूँ वो मैंने ड्रॉ पहले से कर लिया था, बिकॉज आपको मैंने थोड़ा ड्राइंग के बारे में बताया भी था। ड्राइंग पहले थोड़ा सीखनी पड़ती है, ड्राइंग की इंशाल्लाह मैं क्लास एक और करूंगी, और इंशाल्लाह वो कलर वो ड्राइंग की क्लास डिटेल में होगी। उसके लिए मुझे ये एक्चुअली जो मेरी एक बहुत अच्छी व्यूअर ने डिमांड की थी, कमेंट किया था कि मुझे ऑयल में नाइफ में पेंट करके दिखाएं। ये नाइफ होता है, इसमें बड़े साइजेस भी मिल जाते हैं, लेकिन जब आपने बहुत इंट्रिकेट चीजें बनानी होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें बीच में होती हैं, लीव्स होते हैं, जब आपने काफी बीच में डिटेल में जाना होता है तो फिर ये छोटा नाइफ ज्यादा यूज होता है। लेकिन बड़ा नाइफ वो बड़ी पेंटिंग्स के लिए होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी डिटेल्स होती हैं। लेट्स स्टार्ट। बाय द वे एक चीज मैं बताना भूल गई, ये है मैरीज, ये बिगिनर्स के लिए ये कलर्स होते हैं। मैरीज वो जो विंसेंट न्यूटन के कलर्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं और आजकल ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो यू शुड गो टू अनारकली। यहां से मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी लेना खरीदना। और मैरीज के कलर्स अच्छे भी होते हैं बिगिनर्स के लिए, और इनमें ऑयल भी ज्यादा होता है, इजीली यूज हो जाते हैं, और ये कलर्स ज्यादा बड़े साइज में भी मिलते हैं, लेकिन ये व्हाइट कलर क्योंकि ज्यादा यूज होता है तो इसलिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो फिर ये वो ज्यादा बड़ा पेंट ले लेते हैं। मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया, तो आज हम ये पेंटिंग शुरू करते हैं।
एंड यस फर्स्ट ऑफ ऑल माय फेवरेट कलर सैप ग्रीन, हम ये यूज करेंगे इस लैंडस्केप में। देन बर्ड्स ये ना, आई होप नजर आ रहा हो राइट, एंड कैडमियम रेड ह्यू, ये आप रेड कोई भी कलर्स, बहुत से शेड्स होते हैं, आप जाके आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा ये पर्शियन ब्लू एंड डार्केस्ट डार्क पर्शियन ब्लू में, और व्हेन यू मिक्स पर्शियन ब्लू एंड बर्न्स सियाना इट मेक्स काइंड ऑफ ब्लैक कलर, तो फिर ये डार्क शेड्स डार्क प्लेसेस पे यूज हो जाता है जब हम जहाँ पे साया कहीं पड़ा होता है किसी भी चीज का। एंड यस वाइट कलर, तो ये वाइट कलर होगा और ये येलो कलर है, येलो कलर मेरा खत्म हो गया था तो ये आज क्योंकि मैंने लेट मंगवाया तो ये कुछ डेलर राउनी का कलर उन्होंने मुझे भेजा है लेमन येलो। लेमन येलो कलर बहुत अच्छा होता है और हमेशा लेमन येलो में भी ऑयल ज्यादा होता है, कुछ इसमें शेड्स ऐसे हैं कि इसमें ऑयल ज्यादा होता है, तो अब ये शेड्स मैंने निकाल लिए हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी इसमें क्या क्या है, अब आप ये देख रहे हैं ये मैंने बर्न किया ना, कुछ लोग बर्न किया ना और ये जो कुछ दूसरे कलर्स कोई भी उसमें कलर करना हो मिक्स वो पैलेट पे मिक्स करते हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ लाके यूज करती हूँ, यहाँ लाके मिक्स करती हूँ। सॉरी तो आप पहले ये डार्क लाइंस कर लें क्योंकि डार्क लाइंस कर लेंगे तो फिर आपको उसकी बाकी शेडिंग करने में आसानी होगी। As you can see कि ये इस डोर की या आप इसको कुछ भी बुला लें इसके अंदर की जगह है, तो इसमें डार्क होगा ही क्योंकि ये ऊपर इसके ऐसे आ रहा है। आप कोई भी चीज कोई भी जगह आप उसको ये पिक्चर या प्लेसेस उन्होंने जो फोटोग्राफर्स होते हैं बेशुमार जगहों पे दिए होते हैं, क्योंकि आजकल बाहर निकल के बैठना स्पेशली फॉर वुमेन फॉर सम गर्ल्स बाहर निकल के बैठना बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो ये थोड़ा लफ्ज होगा आसान लफ्ज होगा, ये इम्पॉसिबल हो गया। तो इसलिए आपको ये या तो आप कहीं बाहर जाएं, आप खुद फोटो खींच लें, आजकल तो ये आसान बहुत है, यू हैव योर मोबाइल्स, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल्स आ गए हैं, इवन कैमराज, तो आप खुद भी अपने कैमराज से अच्छे अच्छे फोटोज खींच सकते हैं।
तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर लें, उधर बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आपको मिल जाएंगी, राइट। और एक और कलर की जरूरत पड़ गई है, ये हम कलर कॉलेज डेज में बहुत यूज करते थे, येलो ओकर बहुत ज्यादा यूज होता था। सॉरी, ये जब जम जाते हैं तो फिर इनको इनके लिए एक दफा बंद हो गए तो खोलना आसान होता है आफ्टर 4 or 5 days। यू शुड बी यूजिंग थिनर, बॉटल ऑफ थिनर और या फिर मिट्टी का तेल यूज कर लें, बिकॉज मिट्टी का तेल ज्यादा चीप पड़ता है। सॉरी, ये काफी सूख गया है। ये कैनवस की बात करेंगे तो आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे, ये कैनवस कहाँ से मिलता होगा? कैनवस छोटे साइजेस में भी होता है, बड़े साइजेस में भी होता है, इंचेस बताने पड़ते हैं, लेकिन दुकानदार भी आपको उसके इंचेस बता देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज है आर्ट्स का, उसके लिए भी स्टूडेंट्स बहुत आती जाती रहती हैं। वो तो आसानी से, तो आपको बहुत सी बताएंगे कि ये वैरायटी है, ये वैरायटी है, सब एक तरह के होते हैं कैनवसेस, कुछ फर्क नहीं होता, सब यही बताते हैं कि ये कैनवस और क्वालिटी का है, ये कैनवस और क्वालिटी का है, ये कैनवस इम्पोर्टेड है, ये कैनवस, कुछ नहीं होता, ये सब बातें इनकी। आप उधर अनारकली, आई प्रिफर अनारकली फॉर दिस, thank you.
ये पेंटिंग अब कंप्लीट है, इसको देखें इसमें कहां आपको कमी नजर आ रही मुझे वो भी बताएं। इसमें जहां मैंने लाइट्स दी हैं वहां देखें लाइट्स दी हैं तो लाइट्स क्यों हैं, और अगर डार्क्स हैं डार्केस्ट डार्क है तो उधर डार्केस्ट डार्क क्यों है और डार्क शेड्स किधर किधर आ रहे हैं। फ्लावर्स बने हैं और जहां ग्रीन एरिया दिखाया है वो जहां वॉल है उधर क्या क्या शेड्स हैं, मैंने दिखाने की तो पूरी कोशिश की है लेकिन क्योंकि टाइम कम था और ये पेंटिंग बहुत लंबी चली जानी थी क्योंकि ये नाइफ में बनी है और नाइफ में बेशुमार पेंट लग जाता है, जो जिन पेंट्स में ऑयल ज्यादा होता है, ये कुछ पेंट्स होते हैं जिनमें ऑयल उन्होंने खुद ही से ज्यादा किया होता है, वो बस कुछ कलर्स हैं जिन कुछ पेंट्स हैं जिनमें ऑयल कम होता है वो जल्दी सूख जाते हैं, और अगर आप ब्रश में बना रहे हैं वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊंगी, ब्रश में बना रहे हैं वो भी आपको उसकी कुछ डिटेल्स बनाऊंगी कि उसके बनाने के क्या तरीके होते हैं, क्योंकि उसमें भी जिन पेंट्स में ऑयल नहीं होता या ऑयल ज्यादा भी होता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, एंड अगर आप लोग